मैं जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. बिग बॉस 13 आ रहा है दीपक, अभी बहुत सारे लाइक चेंजेस हो गए हैं, अभी सिर्फ सेलिब्रिटीज ही होने वाले हैं. कैसा लग रहा है, कॉमनर्स को मौका नहीं मिलेगा? क्या पता कोई और दीपक ठाकुर हो सकता था, कोई और सोमी खान हो सकती थी. इसके लिए तो जेन्युइनली हमको बहुत बुरा फील हो रहा है कि जिस शो ने हमको बनाया है, हमारे जैसे जैसे बहुत लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए. एक्चुअली सीजन 10 से बहुत सारे कॉमनर्स निकले हैं, सीजन 10 से व्यूअर्स बढ़े होंगे मेरे हिसाब से, और उनको मिलना चाहिए. लेकिन अब पता नहीं इस बार का क्या थीम है, हमको नहीं पता. कितने लोगों का मैसेज भी आता है कि मैम प्लीज बताइए ना कि हम भी जाना चाहते हैं, तो मुझे लगा था यार सबको मौका मिलेगा इस बार जाने का, एटलीस्ट अपना एक लक आजमाने का. हाँ बहुत ही, ऑल्दो इट्स लाइक लाखों करोड़ों में सिलेक्शन होता है, पर मौका मिलना चाहिए. वो मौका नहीं दिया, आई डोंट नो, क्रिएटिव टीम ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ बेहतर सोचा होगा, बट आई रियली होप कि मिलता है ये मौका मिले और वो लोग आगे आए. एक दूसरा दीपक ठाकुर, एक दूसरा सोमी खान, आप ऐसे ही किसी को शायद इंटरव्यू अगले सीजन के लिए ले रहे हो. अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ सेलिब्रिटी एंटर करने वाले हैं वहीं दीपक कलाल और राखी सावंत के भी एंट्री होने वाली है, कैसा क्या कहना चाहोगे इसे लिए? राखी सावंत आई थिंक अगर वो आएंगी तो तीसरी बार आएंगी, वो ऑलरेडी दो बार आ चुकी है, तो आई थिंक अच्छा है. और दीपक कलाल का लास्ट टाइम भी नाम आया था कि वो आने वाले हैं, मैंने सुना था हमारे सीजन में, पर वो इस सीज़न में आ रहे हैं, तो इज रियली फनी गाय. और उनकी राखी सावंत की जो जो फिजिक्स है उनका, जो उनका फिजिक्स और ज्योग्राफी है, तो उसके लिए मैं कहूँगी व्यूअर्स बहुत एंजॉय करेंगे आई एम श्योर.